हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप स्नैपचैट के आईडी या अकाउंट कैसे बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्नैपचैट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको इसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। आपको स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, लॉगिन और साइनअप। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर सकते हैं, और नया अकाउंट बनाना चाहते हैं आपको साइनअप पर क्लिक करना, नया अकाउंट बना सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए साइनअप पर आपको क्लिक करना है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस को अलाउ कर देना है। आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस सामने आता है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होगा। जैसे कि मैं अपना पूरा नाम डालने के बाद साइनअप एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको एक यूजर नेम मिलेगा। आप चाहे तो इस यूजर नेम को चेंज यूजर नेम पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसी यूजर नेम को कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके सामने ऑप्शन आता है पासवर्ड का। अब यहाँ पर कम से कम आपको 8 नंबर का है, कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कोई एक मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर आपको OTP नंबर मंगवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर उस OTP नंबर को डालना जो आपके पास आया है। अब आपको फ्रेंड्स ऐड करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप अपने अकाउंट में फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। अब आपको कैमरे को परमिशन देने के लिए टर्न ऑन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी है फोटो वीडियो रिकॉर्ड ऑडियो के लिए। इस प्रकार से मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप स्नैपचैट में अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।